हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलू की सावजी रसोई। आज हम एक हेल्दी और इंस्टेंट नाश्ता तैयार करेंगे जो कि बहुत ही टेस्टी होगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। इसमें हम खूब सारे वेजिटेबल्स डालेंगे और बहुत ही कम तेल में बनेगा, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेगा। तो चलो बनाते हैं। तो ये है बचा हुआ चावल, ये कल का बचा हुआ चावल है जो कि कोई भी खाने के लिए नहीं दिखता। अभी इसी चावल से हम बनाएंगे एक रेसिपी। तो ये चावल मैं पहले मिक्सिंग बाउल में डाल देती हूँ। ये चावल को हम बिना पीसे ही यूज़ करेंगे और इसमें डालेंगे अब एक कटोरी ग्रेटेड पत्ता गोभी, एक ग्रेटेड गाजर, आधा प्याज और मैंने यहाँ पे ये स्वीट कॉर्न्स लिए हुए हैं। अगर आपके यहाँ हो तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे ही मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं मटर। ये मटर को मैंने 2-3 मिनट उबाल लिया था। इसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ 4-5 हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अभी चावल में। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनता है ये नाश्ता और हेल्दी भी रहेगा क्योंकि हमने खूब सारी वेजिटेबल्स इसमें डाली है। आप और भी इसमें शिमला मिर्च या बीन्स जो भी हो आप इसमें डाल सकते हो। ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी दही और इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप यहाँ पे आमचूर पाउडर या चाट पाउडर डाल सकते हो। इसके साथ ही डाल दिया 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, स्वादानुसार नमक। इसको अभी मैं पूरे इसमें मिक्स कर लेती हूँ। इसमें आप जो चाहे वेजिटेबल्स डाल सकते हो जो आपको पसंद हो, और जो ना पसंद हो उसे स्किप भी कर सकते हो। तो ये यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे सूजी। तो यहाँ पे मैंने ये आधा कटोरी सूजी ली हुई है, ये मैंने इसमें डाल दी है और सूजी भी मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला हुआ है क्योंकि वेजिटेबल्स में जब हम नमक डालेंगे तो इसमें अपने आप ही पानी छूटना चालू हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला हुआ है। लेकिन अगर ऊपर से लगेगा तो देख लेंगे। तो मैंने पूरा यहाँ पे मिक्स कर लिया है, लेकिन हमने इसमें सूजी डाली हुई है और ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसलिए मैंने यहाँ पे आधा कटोरी पानी डाल दिया है ताकि सूजी भी भीग जाए। तो इसको अभी मैं पानी में भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखो, यहाँ पे वेजिटेबल्स में पानी छूटना चालू हो गया है, तो ये थोड़ा गिलसर हो चुका है। इसको ऐसे ही मैं पूरा मिक्स करके इसको अभी ढककर 10 मिनट ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि जो सूजी हमने डाली हुई है वो भी भीग जाए। ये देखो, 10 मिनट में सूजी अच्छे से भीग चुकी है और ज़्यादा ड्राई हो गया है, एकदम ऐसे डो के जैसे हो चुका है। हमें ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए, बस ऐसे ही चाहिए। अभी हम इसमें डालेंगे इनो। तो यहाँ पे मैं 1 पैकेट इनो डाल रही हूँ और इसको एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दिया है। ये इनो को भी मैं पूरे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इनो डालने से ये नाश्ता थोड़ा फुला फुला बनेगा। पूरा इनो के साथ मैंने पूरे मिक्सचर को मिक्स कर दिया है। अभी हमें इसे पकाना है। तो पकाने के लिए मैंने गैस पर एक पैक मेकर रख दिया है और इसको मैं तेल से ग्रीस कर लेती हूँ। पूरे ग्रेस कर लिया है और इसमें अभी मैं डाल देती हूँ थोड़ी थोड़ी तेल। नहीं भी डाला तो भी चल जाएगा, लेकिन इसे तड़का अच्छा लगता है। ये पूरे तेल थोड़ी थोड़ी मैंने इसमें डाल दी है। अभी ये मिक्सचर में 1-1 चम्मच इसमें डाल दूंगी। ऐसे ही पूरे अप्पे मेकर में ये मिक्सचर में डाल दूंगी। ये देखो, यहाँ पे पूरे अप्पे मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसको मैं अभी ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल लगा लेती हूँ।
ताकि ये नाश्ता अच्छे से पक जाए। इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर से तेल लगा लेंगे और फिर इसको मैं ढक कर 4-5 मिनट पकने देती हूँ। बहुत जल्दी पक जाता है। ये देखो 4-5 मिनट में ये नीचे से ड्राई होने लग जाएगा, तो हम इसको पलटा देंगे और ये दूसरी साइड से भी हम इसको पकाएंगे। ये देखो ये नीचे से ड्राई पक चुका है, लेकिन अभी हमें दूसरी साइड से भी पकाना है और अंदर से भी पकना चाहिए, इसलिए मैं पूरे पलटा कर, ये देखो यहाँ पे मैंने पूरे अप्पे पलटा लिए हैं और इसको मैं फिर से ढककर 2-3 मिनट पकने देती हूँ। 2-3 मिनट में अप्पे अच्छे से पक जाएंगे, बहुत ही मस्त दिख रहे हैं। ये देखो ये नीचे से भी अच्छे से पक चुके हैं। अभी हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाता है ये और एकदम कम तेल में बनता है, तो हेल्दी भी रहता है, वेजिटेबल्स भी है, मतलब और ज़्यादा हेल्दी है। तो ये बन गए हमारे बचे हुए चावल का नाश्ता, जो कि सबको बहुत पसंद आएगा। अगर किसी को बासा चावल दे दो तो वो पसंद नहीं करेगा, लेकिन इस तरीके की चीज़ अगर बासे चावल से बन जाए तो फिर सभी प्यार से इसको खाएंगे। और इसमें वेजिटेबल्स भी है, मतलब ये हेल्दी भी है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना। थैंक यू।